बिहार के मौसम में बदलाव के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बुधवार को पटना और आसपास बादल छाए रहने के साथ ही एक दो जगहों पर हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व जिले के एक या दो जगहों पर बिजली चमकने के साथ ही मेघ गर्जन की संभावना है। वहीं किशनगंज, अररिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और कई जगहों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। गौरतलब हो कि बीते दिन यानी कि मंगलवार को बक्सर, पटना, सिवान, सारण समेत कई जिलों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। आपको बता दें कि इस वर्ष मॉनसून बिहार पर खासा मेहरबान रहा है, फिर भी पिछले साल के मुकाबले बारिश कम हुई है। मौसम की विदाई के बाद भी प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विज्ञानी की माने तो एक कम दबाव का क्षेत्र पूरे बिहार के ऊपर बना है। दूसरी ओर एक ट्रफ लाइन उत्तर प्रदेश के मध्य भाग से बिहार और इसके सीमा पर्वतीय जगहों से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव के कारण कई हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण प्रदेश के तापमान पर भी असर पड़ रहा है। सबसे अधिक तापमान बक्सर में 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि बिहार की राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं न्यूनतम 24.4 डिग्री सेल्सियस रहा। ये सामान्य से 4 डिग्री कम है। गया का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, भागलपुर का 29.6 डिग्री सेल्सियस। बारिश का सिलसिला अभी एक दो दिनों तक बिहार में जारी रहने की उम्मीद है। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। गौरतलब हो कि बिहार में बीते 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से ऐसा पहली बार हुआ कि अक्टूबर महीने में कोसी का डिस्चार्ज 2,00,000 क्यूसेक के पार चला गया। बेमौसम हुई बारिश के कारण किसान खून के आंसू रो रहे हैं। उनके धान की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। इधर कोसी में 24 घंटे की बारिश ने तटबंध के भीतर फिर से बर्बादी की पटकथा लिखनी शुरू कर दी है।